आपको बता दें चला कि मध्य प्रदेश में रामपाली ट्रस्ट में भक्तों को हो रही है असुविधा, प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। ज्ञात है कि धार्मिक नगरी रामपाली में जो कि दूर दूर तक जन जन की आस्था का प्रतीक है, यहाँ प्रतिदिन क्षेत्र के दूर अंचलों से अपने मातृपितृ की दिवंगत आत्माओं को तृप्त करने हेतु पावन घाट पर आते, परंतु मंदिर ट्रस्ट प्रशासन के हत्ते नहीं, जो कि मंदिर का दान भी प्रशासन भी रखते हैं, परंतु भक्तगण की सुविधा को ध्यान नहीं है। मंदिर में पुजारी व आने वाले भक्त इस बात से बेहद दुखी हैं और चाहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र में रामपाली में सर्व सुविधा संपन्न हो, जिसमें आने वाले सभी भक्तों को किसी प्रकार की सुविधा ना हो। मंदिर का इतिहास यह बताता है कि मंदिर में वैष्णव परिवार सीढ़ी दर पीढ़ी सनातन धर्म के अनुरूप समय समय अनुष्ठान कार्यक्रम कराते आ रहे हैं। इन समस्याओं से कई बार तहसीलदार साहब से शिकायत करी, लेकिन परंतु कोई सुनवाई नहीं होती। एक बार भी मंदिर की समस्याओं को जानने नहीं आए, अब तक नजरअंदाज कर रहे हैं। राजगढ़ समाचार से बालघाट सिद्धांत खोलगड़े की रिपोर्ट। मानिक चित्रू जी द्वारा जो बनाई गई है, इनका रख रखाव अच्छे से नहीं हो पा रहा है जी। यहाँ पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है जी, जी। दर्शनार्थी बाहर से आ रहे हैं जी, उनको पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है जी। इसकी शिकायत कई बार तहसीलदार महोदय से की गई है जी, लेकिन उन्होंने यहाँ आके एक भी बार इस चीज को ठीक से उन्होंने समझा नहीं है जी। ये अनदेखा कर रहे हैं चीज होने के बावजूद भी जी। तो अपने ज्ञापन सौंपा उनको इस मामले को लेकर के अवगत कराया, लेकिन अब तक क्या उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई? कोई सुनवाई नहीं की गई, इसको नजरअंदाज किया गया, चले जाते हैं, इस मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं, नजरअंदाज किया जा रहा है। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? कि अब इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए जी, मंदिर में जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनके सुचारू रूप से चल पाए, बस यही हमारी उनसे विनती है। थाना फरीदपुर की रहने वाली एक महिला ने अपना एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने कस्बा फरीदपुर के ही रहने वाले एक व्यक्ति से अंतरजातीय विवाह किया है, और उस अंतरजातीय विवाह से उनके मायके वाले नाखुश हैं और कोई भी प्रतिकूल हरकत कर सकते हैं, और उसके संदर्भ में उन्होंने अपने मायके वालों से सुरक्षा के संदर्भ में अपने और अपने पति की सुरक्षा की मांग की है, जिसके संदर्भ में थाना प्रभारी को जाँच करने और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए।